क्यों महंगा है ये? देखिए राहुल जी, यदि कोई मशीन मार्केट के अंदर जी अन्य सेम हासपोर की मशीन से महंगी है जी, तो सीधी सी बात है उसके अंदर कुछ अलग दिया है जी, और उसकी किसान को पहचान भी करनी चाहिए जी। प्रैक्टिकल रूप से ट्रैक्टर को टेस्ट ड्राइव करे, खेत में चलाए या शोरूम पे जाकर के चेक करे। हमारी कंपनी का यह कहना है जी कि कुबोटा का कोई भी ट्रैक्टर जी, यदि आप सेम हार्स पावर से कंपैरिजन करेंगे जी, तो 10-15-20% तक डीजल की बचत होगी जी। यानी किसी खेत को तैयार करने में यदि आप 10 लीटर डीजल की खपत कर रहे हैं, यानी साथ में कोई ट्रैक्टर लेगा तो प्रैक्टिकल करवा दोगे जी? बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, भाइयों आज की जो वीडियो है भाई, कुबोटा ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। दोस्तों किसान भाइयों आप भी ध्यान से सुनना बातें। यहाँ पे कुबोटा से भाई हमारे पास जो अरविंद जी है वो भी है, और भाई कुबोटा के जो डीलर है यश ट्रैक्टर शामली के नाम से भाई वो भी हमारे साथ ही है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अपना एक बार परिचय करवा दो जी। मेरा नाम अरविंद सरोवा है और मैं कुबोटा कंपनी का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा जी जी। आज यहाँ डेमोस्ट्रेशन था 45 हॉर्स पावर का जी, और कुबोटा के 27 हॉर्स पावर का। अब ये बताओ कि किसान आपका ट्रैक्टर जैसा मिनी ट्रैक्टर है, बड़ा रोड़ा हो रहा है इस ट्रैक्टर का, तो क्यों खरीदे इसे किसान? क्या खास बात है इसमें, वो बात बताओ सीधी सीधी। देखो आजकल बहुत सारी फसलें इंटरकल्टीवेशन के द्वारा हो रही है जी, जिसमें शुगर कैन बिल्कुल बिल्कुल गन्ना सबसे ज्यादा है बिल्कुल है। और गन्ने के अंदर बहुत सारे लोग दूसरी छोटी छोटी फसलें ले रहे हैं जो 3-4 महीने में पूरी हो जाती है जी। और यदि दूसरी फसल भी नहीं लेनी है, गन्ने की केवल निराई गुड़ाई करनी है और मिट्टी चढ़ानी है, तो अभी कुबोटा के पास 3 मॉडल हैं जी, 21 हॉर्स पावर 3 सिलेंडर जी, 24 हॉर्स पावर 3 सिलेंडर और 27 हॉर्स पावर 3 सिलेंडर। अच्छा, जैसा एक बात यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जैसा आप कह रहे हैं 3 ट्रैक्टर है कुबोटा पे छोटे, तो इसके जो इंजन है वो खुद के ही मतलब अपने ही डिजाइन कर रखे कुबोटा ने, या मतलब किसी से लेती है? कुबोटा का पूरे वर्ल्ड में इंजन का मेन बिजनेस है जी, और किसी भी ट्रैक्टर का दिल उसका इंजन कहा जाता है जी। मैं आपको बोनेट के अंदर बोनेट खोल करके दिखा सकता हूँ जी, इस पर कंपनी की प्लेट भी लगी होती है जी, यहाँ पर जी। यहाँ से आप सामने से दिखा सकते हैं जी, ये कुबोटा के इंजन की पहचान है जी। कुबोटा के पास 21 हॉर्स पावर से 500-550 हॉर्स पावर 600 हॉर्स पावर तक के इंजन है। अच्छा। जो पोकलैन के अंदर, आर्मी के अंदर जनरेटर में, आर्मी के अंदर टैंकों में जी, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में इंजन इनके यूज होते हैं जी। तो कुबोटा का इंजन अपना इंजन है और बहुत लॉन्ग लाइफ और हाई स्पीड इंजन। देखो मेरा एक कड़वा सवाल है आपसे सर, किसान भाइयों का कहना ये है कि कुबोटा ट्रैक्टर बहुत महंगा है जी, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो क्यों महंगा है ये? देखिए राहुल जी, यदि कोई मशीन मार्केट के अंदर जी अन्य सेम हासपावर की मशीन से महंगी है जी, तो सीधी सी बात है उसके अंदर कुछ अलग दिया है जी, और उसकी किसान को पहचान भी करनी चाहिए जी। प्रैक्टिकल रूप से ट्रैक्टर को टेस्ट ड्राइव करे, खेत में चलाए या शोरूम पे जाकर के चेक करे जी। जैसे कि मैं आपको इस ट्रैक्टर के विषय में बताऊं, टर्निंग रेडियस। अच्छा। क्योंकि छोटा ट्रैक्टर है, फसल के अंदर फसल में चलेगा जी, तो वहाँ आपको स्टीयरिंग की कटाई बहुत ज्यादा चाहिए जी। तो आप इसकी कटाई को सामने से दिखा सकते हैं, ये मेरी सिंगल उंगली है और सिंगल उंगली से 2.1 मीटर की टर्निंग रेडियस जी। और अच्छा, ये छोटा ट्रैक्टर भी आपका चाबी से ही बंद हो जी? छोटा मैनुअल है, 21 हॉर्स पावर का, 24 और 27 पावर स्टीयरिंग है और चाबी से बंद होते हैं। ये कितने हॉर्स पावर का? ये 27 हॉर्स पावर का, 20-27-41 S के नाम। अच्छा, तो ये चाबी से ही बंद हो गया ये भी? अच्छा जी। ये जो सिस्टम है जी, जो अगले पहियों पर पावर ट्रांसमिट करता है जी, इस टेक्नोलॉजी का नाम है बेवल गियर जी। ये वाटर प्रूफ है। अच्छा। आप इस ट्रैक्टर को 24 घंटे पानी के अंदर भी चलाएंगे तो उसके अंदर ग्रीस में और ऑयल के अंदर पानी जाने की संभावना नहीं है। अच्छा, जैसा मतलब आम ट्रैक्टर की सर्विस हो गया 200-300 घंटे पे, इसकी सर्विस कितने घंटे पे होगी? 250 घंटे पे सर्विस होती है। 250 घंटे पे, यानी वो मतलब जो दूसरे ट्रैक्टर की होती है सर्विस उसी टाइम पे होती है जी जी जी, और वो मात्र 1600 रुपए की। अच्छा अच्छा, मेन पॉइंट बताओ इस ट्रैक्टर का, सबसे ज्यादा इस पे क्यों जा किसान, जो मेन बात है? सबसे पहली बात, ट्रैक्टर के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। 100 किलो का आदमी, 150 किलो का, 200 किलो का आदमी बैठ सकता है जी। मैं आपको बैठ करके दिखा सकता हूँ, मेरी लंबाई के अनुसार आप मेरे घुटनों की लंबाई का अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, पूरा कंफर्ट हूँ। बिल्कुल, रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ। और दूसरा इसका फीचर यह है, इंजन की बात करें, इंजन की गर्म हवा पैरों के ऊपर नहीं आती। अच्छा। जैसे यहाँ पर ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं लोग और जुताई करते हैं जी, ये स्पेस। अच्छा, स्पेस बढ़ गया आप आसानी से अंदर घुस गया। अच्छा, ट्रैक्टर चला सको यहाँ बैठ के दिखाना जी। ये देखो भाई, तो आप बैठ के ट्रैक्टर चलाओगे, स्पेस दिखा रहे हैं आपको, इतना स्पेस है इस ट्रैक्टर में कि यहाँ पे आदमी भी आसानी के साथ इस ट्रैक्टर में आ जा। ये देखो भाई, तो आप बैठ के ट्रैक्टर चला रहे हैं। अच्छा, रोटावेटरी पेल दिया जी यहाँ बैठ के,
कब तक चला दोगे यहाँ बैठ के? जी स्पेस अन्य ट्रैक्टरों से ज्यादा है तो आदमी को कंफर्ट फील होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो ज्यादा समय तक काम कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिर से एक ही पोजीशन में बैठे था आगे पीछे होकर के अपनी कंडीशन को चेक। जैसा आपने एक बात कही यहाँ पे जी बोला कि 200 किलो का आदमी भी इस ट्रैक्टर को चला सके जी। चलो वो भी बात मान ली हमने, 200 किलो का चला लिया, पहले तो बात 200 किलो का जो किसान है जी वो खेती नहीं होती उस पर। सही बात है, पर जो मेन बात है किसान का एक सवाल रहे कि ये कितनी पावर लगाओगा और कितना ये खावागा। दो चीज मेन होती है किसान के लिए, जो किसान इन पे चले जी, ये गलत है मेरी बात? बिल्कुल सही बात है। हमारी कंपनी का ये कहना है जी कि कुबोटा का कोई भी ट्रैक्टर जी यदि आप सेम हॉर्स पावर से कंपेरिजन करेंगे जी तो 10-15-20% तक डीजल की बचत होगी जी। यानी किसी खेत को तैयार करने में यदि आप 10 लीटर डीजल की खपत कर रहे हैं, यानी साथ में कोई ट्रैक्टर लेगा तो प्रैक्टिकल करवा दोगे जी? बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो कुबोटा ट्रैक्टर उस काम को 10 लीटर में नहीं करेगा, उससे कम में कर देगा। अच्छा, कम में कर देगा। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है जी और कितने एचपी के, मतलब जैसा आपके तीन ट्रैक्टर बता रहे 3 HP के, तो उनमें चौड़ाई कितनी आती है? इसमें 21 हॉर्स पावर में 35 इंच भी आता है। अच्छा, 21 हॉर्स पावर में 37 इंच भी आता है। अच्छा, और 21 हॉर्स पावर में 39 इंच भी आता है। अच्छा, फिर 24 और 27 जी रेगुलर 39 इंच में ही आते हैं। अच्छा, रेगुलर ही है ये, मतलब जो 27 HP का है दोस्तों इसमें 39 इंच ही आता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसमें क्योंकि गन्ना आजकल 4.5 फीट से ज्यादा 5 पे पहुंच रहा है जी, 5 फीट का मतलब 60 इंच जी, तो 39 इंच का ट्रैक्टर 60 इंच के गन्ने में बड़े आराम से चलेगा और दोनों तरफ जगह भी बचेगी जी, 5-5, 6 इंच। अच्छा, जैसा मैं देख रहा जी इसमें अलाइंस के टायर हैं जी, तो ये क्या मतलब कौन सी कंपनी के टायर है? अलाइंस तो मतलब किसानों ने तो बहुत कम देखे जी। ये टायर जो है 9518 का जी, ये ट्यूबलेस टायर है। अच्छा, ये ट्यूबलेस है? ट्यूबलेस है, इसका साइज यही रहता है। अच्छा, कुबोटा ज्यादा कर MRF के टायर दे जी, MRF के टायर देती है मगर ट्यूबलेस में ये ब्रांड सबसे अच्छा है। अच्छा, अलाइंस तो ये उन्होंने दिया है। अच्छा, यानी कि इसमें ट्यूब नहीं है? इसमें ट्यूब नहीं है। अच्छा, और भी ट्रैक्टरों में है जी कोई आजकल ट्यूबलेस टायर? मैं मार्केट में भी कोई हो सकता हूँ, मेरे माइंड में है नहीं, नोटिस में भी आया नहीं है कोई। अच्छा, कुबोटा के 27 में है। अच्छा अच्छा, यूपी के अंदर दोस्तों भाई कह रहे हैं कि भाई कोई नॉलेज में है नहीं, हो सकता है कोई एक आधा हो भी हो जी, मगर अभी ट्यूबलेस हमने देखा नहीं है जी, ऐसा नोटिस में नहीं आया। कुबोटा के 27 में ही है, 21 और 24 में 8-18 का साइज है। लिफ्ट कैपेसिटी क्या है जिसकी? 750 kg, 7.5 kg, 7.5 quintal, यानी कि हम स्प्रे टैंक वगैरह भी आसानी से उठा सकते हैं इसमें। आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र की वीडियो में, वहाँ स्प्रे टैंक को लेकर के अंगूर नार की खेती पे लोग स्प्रे करते हैं जी, यहाँ भी गन्ने की खेती में स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, स्टैंड वाला आता है, उसका स्टैंड जैसे जैसे गन्ना बड़ा होगा सबसे बड़ी होगी जी, स्टैंड ऊपर उठता रहता है, दो नोजल इधर दो नोजल इधर। अच्छा, यानी कि गांव की भाषा में बात करें तो 2 फुट इधर से 2 फुट इधर से लेकर के वो स्प्रे चलता है जी। हाई लो मीडियम है ना ट्रैक्टर जी? आप उधर से दिखा सकते हैं जी, ये लीवर अभी न्यूट्रल है जी, न्यूटल आगे है। करेंगे हाई, यहाँ न्यूट्रल, मीडियम और मीडियम के बाद लो। अच्छा जी, और ये 750 और 540 के लिए है। अच्छा, पीटीओ के ऑप्शन भी दो है जी? दो ऑप्शन है, ड्यूल। अच्छा, पीटीओ उसको बोला जाता है जी जी जी, यानी कि भाई साहब आप जो किसान भाई वीडियो देख रहे इस ट्रैक्टर को आप अगर कहीं पे मतलब हल्का काम लेना है आपको, मिट्टी वगैरह जैसे भाई खेत जुता हुआ है तो उसको बारीक करनी है, तो आप इसको 750 RPM पे चला सकते हैं आराम से। अच्छा, वैसे कंपनी जो रिकमेंड करती है जिसके पीछे मानने की बात है, हमने गन्ना बो दिया 5 फिट का जी, और ट्रैक्टर है हमारा 27 HP का जी, तो इसके ऊपर कितने फिट का रोटावेटर चला सकते हैं? 3 या 3.5 फिट का ही चलेगा वहाँ पर। अच्छा, मगर बाग के अंदर जी, बाग में आम का, अमरूद का जी, नींबू का बाग हो जी, वहाँ चौड़ाई के हिसाब से 4 फिट रोटावेटर या 5 फिट भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, 5 फिट तक चला सकते हैं? बिल्कुल, बड़े आराम से। अच्छा, 27 HP का आपका बहुत आराम से खींचेगा जी, जी। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो डीलर साहब एक बार आप भी आ जाओ। नमस्कार जी, राहुल भाई। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय करा दो जी। मेरा नाम गौरव चौधरी जी, ट्रैक्टर एजेंसी शामली, बस ट्रैक्टर के नाम से। अच्छा, और अच्छा आप ये बताओ जी, जैसा किसान भाई मतलब आपकी वीडियो देखते हैं आप, मतलब आपने कई वीडियो में आ चुके हैं जी, तो मतलब जैसा ये ट्रैक्टर है कुबोटा के, इनको लेकर क्या विश्वास है आपका? देखो, बढ़िया ब्रांड है, बढ़िया ट्रैक्टर है और लोगों के बीच में चल भी रहा है। मेरे हिसाब से लगभग 250 की संख्या में ट्रैक्टर हमने बेच भी लिए हैं जी, और लगभग 6 साल हो लिए बेचते हुए, 5 साल सुपर वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर रहा। तो छोटा मोटा तो इशू होगा, मैं ये नहीं कहता जी, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल, लेकिन अच्छा ट्रैक्टर चला, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, 250 की संख्या में मेरे ट्रैक्टर बिक चुके हैं 21-24। अगर कोई किसान भाई जानकारी लेना चाहता है तो आप एक बार अपना फोन नंबर बता दो जी। मेरा मोबाइल नंबर 9897966250। एक बार हिंदी में बता दो। 9897966250। ठीक है जी। तो भाई डीलर साहब ने अपना नंबर भी दे दिया, अगर कुछ भी आपको जानकारी करनी हो भाई, शामली के अंदर इनकी एजेंसी है,
ठीक है, ऐसा तो नहीं है जी कहीं, मतलब देखो लोगों के अंदर एक मिथ है, बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहूंगा लोग ये कह रहे हैं कि कुबोटा की एजेंसी मतलब कहीं डीजल छोड़ के चले गए। नहीं, अभी तक तो शामली में सबसे पहले हमने स्टार्ट करा और हम ही हैं। अच्छा, किसने? अच्छा नहीं, 2018 करनाल वगैरह से जी कहीं मतलब करनाल में तो देखो कुछ इशू भी हो जाए, सहारनपुर के डीलर थे वो कोरोना में डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन अब सहारनपुर में भी डीलर बनने वाले हो रहे, और करनाल में दिलबाग जी थे उनका कुछ फंडिंग का इशू था, अब वो वहाँ पे दूसरे डीलर आ रहे हैं। दो गियर है, अच्छा लो का तीसरा और मीडियम का पहला। अच्छा, मैं तीन ऐसे करूंगा उंगली तो लो का तीसरा आप समझना, और ऐसे मीडियम का पहला, दोनों की स्पीड अंदर है और बढ़िया स्पीड है। अच्छा दिखाओ जी, चला गया एक बार परफॉर्मेंस देखो भाई, चला गया। रोटावेटर कितने फीट का है जी? ये 3 फीट का है, क्योंकि ट्रेन स्पीड के करने के हिसाब से है। 3 फीट का रोटावेटर है भाई दोस्तों, इसके पीछे ये देखो, ये देखो रोटावेटर, पता नहीं भाई ये तीसरे के लो में चल रहा ट्रैक्टर, कौन सी कंपनी का रोटावेटर है, बाबा रोटावेटर है भाई, ज्यादा धड़क रहा रोटावेटर, बाकी इसमें ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं है। ये लगा दिया भाई शायद मीडियम के पहले में, अच्छा लगाया नहीं अभी तक। रोटावेटर देखो भाई अच्छा लगा रखा, ये देखो भाई स्पीड मीडियम के पहले में है ना जी, ये मीडियम के दूसरे में। अच्छा ये देखो भाई स्पीड ठीक है जी, बढ़िया है, रोक दो। आरपीएम तो ड्रॉप करता 50 से 100 आरपीएम होने चाहिए जी, अगर आरपीएम ड्रॉप नहीं हो तो समझो आपने ये तो गियर बहुत छोटा लगाया, ये लोड बहुत कम है। बिल्कुल 50 से 100 आरपीएम ड्रॉप होने का हक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी है।